हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है हमारे ANTS वीडियो सॉल्यूशन में। और ये बॉटनी सेक्शन करेंगे हम लोग ANTS फुल टेस्ट नंबर 10 का। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें ये है बच्चों सेक्शन ए। ओके, तो ऐसा पता ही हम लोगों को सेक्शन ए सेक्शन बी दो सेक्शन हम लोगों ने बना के रखा है। तो सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन जो कि कंपलसरी हैं और सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चन जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरे 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं उनसे स्पेशली ये कहना चाहता हूँ जिनके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये जस्ट टेस्ट का मार्क्स है तो इसमें कम आ रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फाइनल में आपको फर्क पड़ सकता है। तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है अपने आपको इम्प्रूव करने के, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ज़्यादा परेशान मत होको, अपने पढ़ाई पे फोकस करो और अगले टेस्ट के लिए फिर से तैयार हो जाओ और अगले टेस्ट में बेटर करने की कोशिश करो। ओके, तभी जितने टेस्ट पढ़े उसमें और अच्छा करने की कोशिश करो तो मार्क्स इंप्रूव भी होंगे और फाइनल में भी अच्छा हो जाएगा। एनीवे, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन बच्चों बॉटनी सेक्शन का। इसमें बच्चों ये पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन गिवन बिलो इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकोट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकोट स्टेम्स, तो डायकोट स्टेम से रिलेटेड अगर हम देखें कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, तो उसमें हम लोग बच्चों कह सकते हैं, लेकिन देखो एक एक करके हम लोग स्टेट चेक करते हैं। पहला है एनुअल रेन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस इन ए ईयर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है बच्चों, ये तो ठीक ही है ना। तो एनुअल रिंग जो होता है उसमें क्या होता है, एनुअल रिंग ये कैसे बनता है, और ये हमेशा बनेगा जब किसी प्लांट्स में फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन जब दोनों आता है उसमें बनता है, और डाइकोट प्लांट्स में जिसमें आपका वेस्कुलर कैम्बियम बना होगा वहीं पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो अब उसमें क्या होता है, जब अब क्या होता है स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग वुड बनेगा। फिर जैसे ही ऑटम आएगा तो उसमें क्या होता है, ऑटम वुड बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होता है, एक डार्क और एक लाइट होता है। जैसे ये लाइट होगा ये डार्क होगा, तो लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन होता है तो रिंग दिखता है हमें। तो दैट मींस ये जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा बोला है द एनुअल रिंग इज फॉर्मड इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द स्टेम। तो बेसिकली यही स्टेटमेंट बच्चों जो आपका है नॉट ट्रू। ठीक है, मतलब आंसर यही वाला है। कैसे ये आंसर है, देखो एनुअल रिंग कॉर्टेक्स रिंग में नहीं बनता। कॉर्टेक्स बच्चों कौन सा पोर्शन है, अगर आप एक स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखोगे तो स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शंस में आपको सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस और ये पेरेन्काइमा था। हाइपोडर्मिस पेरेन्काइमल पार्ट जो होता है यही कॉर्टिकल पार्ट होता है, कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। लेकिन इसमें जो कैम्बियम रिंग बनता है, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनता है, वो एंडोडर्मिस के अंदर इंट्रास्टीलर रीजन्स में बनता है। और स्टीलर रीजन्स में अगर देखोगे तो देखो ये वाला क्या हो गया, मान लेते हैं ये बाहर वाला एंडोडर्मिस है और ये वेस्कुलर कैम्बियम, तो ये रिंग यहाँ पे आपका बना है, इस जगह पे बना हुआ है, मतलब स्टीलर रीजन में बना हुआ है, ना कि कॉर्टिकल रीजन्स में बना हुआ है ये वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए क्या हो गया, इनकरेक्ट है। तो आंसर यही वाला हो जाएगा। बाकी दूसरा, बाकी ऑप्शन देख सकते हैं उसमें, द अमाउंट ऑफ हॉट वुड इन ए प्लांट ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज ईयर बाय ईयर। तो जैसे जैसे क्या होगा, इसमें ये वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी होगा तो उसमें सेकेंडरी जाइलम क्या होगा, अंदर से बनता रहेगा और ये वेस्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। तो दैट मीन्स उसमें क्या होता है, जो हार्ट वुड है वो बनता रहता है कंटिन्यूसली, और इसके बाहर जो सैप वुड होता है उसका साइज कॉन्स्टेंट रहता है, क्योंकि जो नया वुड बनेगा वो सैप वुड है, फिर वही सैप वुड फाइनली मॉडिफाइड होकर चेंज होकर क्या हो जाता है, वो हार्ट वुड में चेंज हो जाता रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही था। उसके बाद दूसरा है, फेलम इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजेंस। तो फेलम जो होता है बच्चों ये आपका कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स, और फेलोजन जो होता है ये होता है आपका कॉर्क कैम्बियम होता है, कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है, तो कॉर्क कैम्बियम ही जब ये डिवाइड होता है आपका आउटर साइड्स में तो वहां पे क्या बनाता है, ये कॉर्क सेल्स बनाता है। क्या बनाता है, ये आपका कॉर्क सेल्स का फॉर्मेशंस करता है, और कॉर्क को कहीं फेलम्स कहते हैं। दैट मीन्स ये भी स्टेटमेंट क्या है, आपका सही है। दैट्स व्हाई इसमें आंसर ठीक था, बी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था 101। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर। अब इसमें पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेस,
तो इसमें एक सीक्वेंसेस दे रखा है, ये सीक्वेंसेस दे रखा है और पूछ रहा वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कॉज और लीड टू द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस. कौन सा इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस के लिए मतलब नहीं होगा, किसके वजह से नहीं होगा तुम्हारा. क्लियर है? तो पहला नंबर तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस क्या होता है वो एक छोटा सा मैं समझा देता हूँ बच्चों आपको कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आखिर होता क्या है आपका. ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस में जैसे मान लो कोई भी रेंडमली एक 5 प्राइम से सिक्वेंसेस ले लेते ए टी जी ए सी सी टी जी ए सी. ठीक है, ये 3 प्राइम्स. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में मान लो कोई एक बेसिस यहां से चेंज हो जाता है. मान लो मैंने जैसे इसको चेंज कर दिया, ए को क्या कर दिया यहाँ पे, ए को मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे. क्लियर है? अब ए को जैसे चेंज करके मैं कुछ रख दूं या फिर इसको डिलीट कर दूं या फिर इसमें एक कोई सिक्वेंसेस ऐड कर देता हूं, तो अभी फिलहाल हम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड मतलब जेनेटिक कोड जो है उसमें एक हो गया ए टी जी, दूसरा हो गया ए सी सी, तीसरा हो गया सी टी ए और यहाँ पे ए सी एक और कोई सिक्वेंसेस जोड़ देते हैं हम लोग इसमें यहाँ पे जी मान लो जोड़ देते हैं. तो यहाँ पे 3 जेनेटिक कोड है और तीनों यहाँ पे दिख रहा है. अब ड्यू टू दैट यहाँ पे डिलीशन हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं डिलीशन हो गया या फिर एडिशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू कर सकते हो. तो अब यहाँ पे देखो, अब 5 प्राइम यहाँ पे इसको ए को डिलीट कर दिया, तो ए टी जी ए तो गया, अब इसके जगह पे क्या है आपका सी 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 टी जी ए सी जी. अब यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारा सिक्वेंसेस अब नया हुआ सिक्वेंसेस क्या है. देखो ए टी जी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अब आगे का देखो, पहले क्या था ए सी सी, अब यहाँ पे सी सी है और यहाँ पे टी जी ए, पहले क्या था सी टी जी था और सो ऑन. मतलब ये और ये और ये आगे के सारे क्या हो गए, न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया. मतलब न्यूक्लियोटाइड नहीं, मतलब आपका जो जेनेटिक कोड है वो चेंज हो गया. तो इससे क्या हो गया, पूरा इस जीन का जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया. तो इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस. इवन तुम इसमें एक जोड़ के भी कर सकते थे, उससे भी क्या होता, पूरा का पूरा फ्रेम क्या हो जाता, चेंज हो जाता. समझ में आ रहा? तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं. क्लियर है? तो ये था तुम्हारा ये क्वेश्चन जो था. अब इस क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा हम लोग आगे सीखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है इसमें. देखो तो इस क्वेश्चन में ये आपके जीन दे रखा है. अब इसमें बोला पहला कि देखो, पहले क्वेश्चन समझ, ऑन द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कॉज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. एनीवे देखो क्या लिखा, इंसर्शन ऑफ टी एट थर्ड पोजिशन. थर्ड पोजिशन का मतलब है ए जी सी, ठीक है ना, उसके बाद टी ए टी एंड सो ऑन जो भी दे रखा है. तो थर्ड पोजिशन का मतलब ये, अगर हम क्या करें, इंसर्ट कर रहे हैं टी को एट थर्ड पोजिशन से, थर्ड पोजिशन पे, ठीक है, थर्ड पोजिशन पे, मतलब इस वाले जगह पे एक और हम इंसर्ट कर दे रहे हैं. तो अब नया सिक्वेंसेस ए जी, ठीक है, टी सी टी ए सी, मतलब यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट, यहाँ पे एक इंसर्शन हो गया, एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है. तो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा. उसी तरह से डिलीशन ऑफ टी जी एट 6th and 7th पोजिशंस. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 6th और 7th पोजिशन मतलब इसकी बात कर रहे हैं. तो 6th and 7th पोजिशन यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, टी और जी डिलीट कर दिया, मतलब यहाँ से इसको हटा देंगे. तो अब नया सीक्वेंसेस क्या बनेगा, ए जी सी टी ए, और टी जी तो गया, सी ए टी टी जी सी 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 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे जो फ्रेम शिफ्ट है इसमें सीक्वेंसेस पहले ए जी सी और टी ए सी और ए टी टी समथिंग. तो यहाँ पे देखो पूरा चेंज हो चुका है, फ्रेम ही चेंज हो गया तुम्हारा. तो ये भी फ्रेम शिफ्ट कर रहा है. नेक्स्ट बोला है कि आपका डिलीशन ऑफ टी टी जी एट 10th, 11th, 12th पोजिशंस. ठीक है, क्या है, डिलीशन करते हैं हम लोग यहाँ पे किस जगह पे, टी जी 11th, 12th पोजिशंस पे. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना. तो यहाँ पे 12, 11, ये मतलब इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हटा दिया, टी जी सॉरी टी टी जी और इधर सी सी था. ठीक है, इस पूरे पोर्शन को अगर डिलीट कराते हैं तो आगे क्या है, सी 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 है. तो 3 अगर नाइट्रोजनस बेसिस मतलब टी न्यूक्लियोटाइड यहाँ से रिमूव होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आगे वाले जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस मतलब जो आगे के जेनेटिक कोड है 3 न्यूक्लियोटाइड का, वो तो सेम ही रह जाएगा. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये आंसर यही हो सकता है. और लास्ट बोला है इंसर्शन ऑफ ए एट 8th पोजिशन. तो अगर 8th पोजिशन पे, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप एक नया अमीनो एसिड मतलब सॉरी अमीनो एसिड बोले
एक नया निकोलोटाइड अगर ऐड करते हो तो निकोलोटाइड ऐड करने से फिर क्या होगा, इस 8 पोजीशन के आगे वाला सारा का सारा फ्रेम क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मतलब इससे भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन भाल क्वेश्चन था, इसको कर लेना तुम लोग अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज डन बाई, वेरी सिंपल, आपका टी एच मॉर्गन। तो टी एच मॉर्गन ने क्या किया था बच्चों, आपका जो लिंकेज का कॉन्सेप्ट है या क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का जो क्रेडिट है वो टी एच मॉर्गन को जाता है। सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी को, मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था, उसी को एक्सपेरिमेंटली टी एच मॉर्गन ने उसको प्रूव किया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन 114, वेस्कुलर बंडल इन द लीफ आर कंसिडर क्लोजर बिकॉज, वेरी सिंपल, जैसे अगर वेस्कुलर बंडल देखते हो तो वेस्कुलर बंडल में दो चीज होता है बच्चों, एक तो होता है रेडियल और एक होता है कंजॉइंट। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम फ्लोएम एक साथ बंडल्स के फॉर्म में रहता है तो इसको कंजॉइंट बोलते हैं। अब कंजॉइंट में दो ऑप्शन है, एक हो सकता है आपका क्लोज और एक हो सकता है ओपन। तो अब यहाँ पे क्लोज ओपन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हो तो यहाँ पे क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट है। अगर कैम्बियम है, कैम्बियम प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये क्या है, अगर कैम्बियम है तो इसको बोलते हैं ओपन कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा था ना, वेस्कुलर बंडल इन लीफ कंसिडर क्लोज, क्यों क्लोज है, तो इसमें से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है, लैक ऑफ कैम्बियम, दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। तो 105 क्वेश्चंस में बच्चों यहाँ बोला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बच्चों जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, देखो सबसे पहले तो एक एम्ब्रियो बना था, क्या बना था, एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो ने यहां से स्टार्ट करते हैं, जायगोट बना था। तो ये जायगोट किस में चेंज हो जाता है, जायगोट चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में। ठीक है, उसी तरह से PEN बना था, प्राइम एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, और प्राइम एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई चेंज हो जाएगा किसमें, ये चेंज हो जाता है एंडोस्पर्म में। ठीक है, उसके बाद जो मेजर चेंजेस है और बच्चों इसमें, तो इसमें बाकी के जैसे सिनर्जिड सेल्स बच गया, एंटीपोडल सेल्स बच गया, तो ये सब सेल्स डिजनरेट कर जाता है। अब ये एम्ब्रियो शेक खत्म, एम्ब्रियो शेक के बाहर प्रेजेंट होता है आपका इंटेगुमेंट। तो यहाँ पे इंटेगुमेंट जो है बच्चों, इंटेगुमेंट जो है ये डेवलप हो जाता है सीड कोट में, और इंटेगुमेंट में आउटर और इनर दो पार्ट होता है। तो आउटर इंटेगुमेंट जो होता है ये टेस्टा, और इनर जो होता है ये टैगमिन में चेंज हो जाता है, टैगमिन्स में, टेस्टा और टैगमिन्स में चेंज हो जाता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो है ये सीड में चेंज हो जाता है, और हमें पता है ये फ्रूट जो है बच्चों, फ्रूट जो होता है, फ्रूट जो डेवलप होता है वो किससे होता है, ये ओवरी जो पार्ट है, तो ओवरी वाला पोर्शन किसमें, ये फ्रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चेंजेस इस तरह से हैं, बहुत सारी चीजें हैं तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे इनकरेक्ट मैच हमको देखना है, किसको इनकरेक्ट मैच देखना है, कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। ठीक है, उस चीज को हमें देखना है। तो अब यहाँ पे देखो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसमें बोला फ्रूट, अभी बताया ना कि ओव्यूल जो होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, वो सीड में चेंज हो जाता है, मतलब ये इनकरेक्ट हो गया तुम्हारा, मतलब आंसर ऑब्वियसली यही हो जाएगा तुम्हारा, जाइगोट एम्ब्रियो में, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा में, और माइक्रोपाइल जो होता है ओव्यूल का वो सीड पोर के फॉर्म में रह जाता है। ये सब सही है, आंसर इसमें बिल्कुल सही है आपका, वन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बल्लो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे पूछ रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स का कौन सा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है बच्चों? इसमें सीधा आंसर आपका, थोड़ा सा एनसेट इसको मिला के पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी ये थोड़ा चैप्टर बहुत ही हार्ड एंड फास्ट जैसा लगता है, तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट इसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट छोड़ो मत, कर दो, समझे? ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम एनसेटी तो पढ़ ही सकते हो ना। तो एनसेटी में जो दे रखा उसी में, जैसे एनसेटी में सीधा दे रखा इथाइलिन ब्रेक द सीड एंड बर्ड डोरमेंसी। अगर ये पॉइंट आपको याद होता तो सीधा पता हो जाता कि ये जो लिखा है बर्ड ब्रेक सीड एंड डोरमेंसी, तो ये ऑक्सिन का तो एटलीस्ट फंक्शन नहीं है। बाकी जब ये फंक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर आपका यही हो जा रहा है, आंसर यही हो जा रहा है। तो बाकी मतलब यहाँ इसी क्वेश्चन से याद करो कि ऑक्सिन क्या कर सकता है, कॉज द एपिकल डोमिनेंसीज, जाइलम डिफरेंशिएशन, पार्थेनोकार्पिन, टोमेटो, ये सारे के सारे फंक्शन है किसके, ऑक्सिन के फंक्शन है। ओके, सिंपल, याद रखते रहना इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है आपका फर्टिलाइजेशन से है, पॉलिनेशन से क्वेश्चन है बच्चों। तो पॉलिनेशन में हमें बताना है कि ये जो आपको दे रखा है इसमें स्टेटमेंट, वो किस तरह का पॉलिनेशन है, ठीक है। तो हालांकि जितने ऑप्शन दे रहे हैं मैं सबको बता देता हूं, तो पहले ऑप्शन पढ़ें, उससे पहले हम लोग सीधा यहां पे इसको डिस्कस करते हैं। देखो, ये है एक फ्लावर, ठीक है, ये है दूसरा फ्लावर, बट ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट्स के पार्ट हैं, दिख रहा होगा आपको। और ये है एक दूसरा फ्लावर, लेकिन ये दूसरा फ्लावर किसी दूसरे प्लांट का है। तो ये पी वन है, मतलब प्लांट वन है, और ये प्लांट पी टू है। अगर पॉलिनेशन जो है उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। और अगर मान लो कि फ्लावर वन से फ्लावर टू लेकिन सेम प्लांट पे पॉलिनेशन होता है, तो हम इसको बोलते हैं जिटनोगैमी कह देते हैं। और अगर क्या हो जाए कि प्लांट ही चेंज हो जाए, दो अलग अलग डिफरेंट फ्लावर है और उसमें प्लांट दो अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जेनोगेमी। समझ आ रहा? तो इसमें क्या बोला, देखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, दैट मीन्स ये सिंपली क्या है, जेनोगेमी है। आंसर इसमें हो जाएगा आपका सी। समझ में आया? सिंपल है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी ऑफ इन्यूक्लिएटेड, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ इन्यूक्लिएटेड सिव ट्यूब एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम कंट्रोल बाय, वेरी सिंपल। देख, अगर हम पहले तो फ्लोएम बोला था, फ्लोएम के कंपोनेंट याद करो, तो फ्लोएम के कंपोनेंट में सीव ट्यूब एलिमेंट एक हो गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा दो हो गया, कंपेनियन सेल्स तीन हो गया, और एक होता है फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम फाइबर्स डायग्राम में नहीं है, तो बेसिकली ये सब फ्लोएम के कंपोनेंट। उसी तरह से यहाँ पे देखो, पहले तो फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट नहीं है उसको हटाओ। देख, ये तो है, चलो, जाइलम पेरेन्काइमा ये जाइलम का है, ट्रैकेड जाइलम का, ये दो ऑप्शन तो हटा दो। अब आता है, देख, सीव ट्यूब जो है फ्लोएम में एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म भी है, बट वो पेरिफेरल पार्ट में रहता है, साइड में रहता है, और सेंटर में न्यूक्लियस नहीं है। अब बिना न्यूक्लियस का कोई सेल कैसे रह सकता है? जी, रह सकता है अगर उसका कोई देखभाल करने वाला रहे। तो ये कंपेनियन सेल्स का दूसरा नाम क्या है जी, इसको बोलते हम लोग हेल्प सेल। तो हेल्प सेल प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या कर रहा है, इसको ये हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे इसलिए इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो दैट्स अ हेल्प सेल है। और ये कंपेनियन सेल्स इस सिवटिल को क्या करता है, सिवटिव एलिमेंट्स को, उसको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए या फिर उसका जो भी कंट्रोल करने के लिए एंजाइम हार्मोन जो भी कुछ चाहिए वो बना के देता रहता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो है बच्चा लोग वो है सी, दैट इज कंपेनियन सेल इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन है 109, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो ये बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है बच्चों, आपका डिफरेंट मतलब क्या, सिलेबस ऐसा नहीं कि बाहर का चीज़ है, सिलेबस का ही चीज़ है, लेकिन सिलेबस में भी थोड़ा सा डिफरेंट ही चीज़ है ये। क्लियर है? क्या डिफरेंट है? थोड़ा पानी पी लिया जाए। नहीं,
देखो विदाउट फर्टिलाइजेशन बट सीड बनता है, तो पहले तो ये हटाओ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या बोलते हैं वो, इसमें गैमेट विदाउट फ्यूजन, ठीक है ना, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। पार्थेनोकार्पिक में जो फ्रूट बनता है या व्हाटएवर जो प्रोडक्ट बनता है वो हैप्लोइड होता है। और ये चीज़ याद रख लो बच्चों, अगर कोई प्लांट हैप्लोइड है तो उसमें सीड जो है ना वो अब्सेंट होगा, समझ रहे हो, चाहे जैसे भी बने, अगर हैप्लोइड है तो सीड नहीं होगा। तो हम लोग एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो चैप्टर, उसमें लास्ट में एक चैप्टर एक टॉपिक है एपोमिक्सिस। एपो मीन्स होता है विदाउट, मिक्सिस मतलब होता है फ्यूजन। विदाउट फ्यूजन अगर कोई प्लांट रिप्रोड्यूस्ड कर रहा है और उसमें सीड भी बना ले रहा है, सीड भी बना रहा है मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें एपोगेमी और एपोस्पोरी, ये दो वर्ड हैं, तो इसमें ज्यादातर चांस आंसर तो यही होने वाला है, बट एपोगेमी मतलब एपो मीन्स विदाउट, अगेमी मतलब वही फ्यूजन, तो एपोमिक्सिस का ही दूसरा नाम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, चैप्टर इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो अब एपोगेमी में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो कि ये जो न्यूसेलस का जो सेल्स है, न्यूसेलस का सेल्स, और वो न्यूसेलस का सेल्स डायरेक्ट जाके एम्ब्रियो शेक बना देता है विदाउट मियोसिस, तो अब इसमें जितने भी सेल्स सब डिप्लॉयड हो जाएंगे, और वहाँ पे एक जो होता है बिना फर्टिलाइजेशन का सीधे वो एम्ब्रियो बना लेता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एपोस्पोरी कहते हैं। और बाकी ये सब चीज़ें सेम उसी तरीके से हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे इसमें एपोमिक्सिस जो है वही यहाँ पे एक प्रोसेस हो गया, मेथड हो गया, जिससे क्या होता है प्लांट प्रोड्यूस होगा, उसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो आंसर इसमें सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब रही बात की एपोगैमी से कन्फ्यूज होने की, तो एपोगैमी जो वर्ड है बच्चों, एक्चुअली में राइट ने एपोस्पर्मी एक वर्ड आ जाता है, तो उसमें हम लोग मान सकते थे कि इसी का एक सब डिवीजन है, इसी का एक पार्ट है, कर सकते थे। तो बेस्ट आंसर जो होगा वो होगा एपोमिक्सिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग इसमें, एक क्वेश्चन थोड़ा आगे निकल गया, पीछे जाते हैं, रुक जाओ। हाँ, सेल ऑर्गेनेल्स प्रोड्यूस गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। गोल्जी बॉडी कौन बनाता है, सेल्स के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी बॉडी बनता है, और गोल्जी बॉडी से लाइसोजाइम बनता है, लाइसोजोम बनता है, या फिर जो भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो सब बनता है तुम्हारा। तो इसमें आंसर सिंपली क्या हो जाएगा आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ। तो विदाउट एक्सेप्शन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बिना एक्सेप्शनली अगर यहाँ पे देखते हैं क्या है, देखो वैसे तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आपको मिला होगा कि एक्सेप्शनली कौन सा फीचर जो है, एक्सेप्शनली अगर बोलता कौन सा फीचर जो है वो मतलब लिविंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसका आंसर है रिप्रोडक्शन, ठीक है। और विथ एक्सेप्शनली अगर हम चलते हैं तो उसमें एक होता है बच्चों कॉन्शियसनेस वगैरह हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे विदाउट एक्सेप्शन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे बेस्ट जो है बच्चों वो है आपका मेटाबोलिजम्स, समझे क्या हो जाएगा, मेटाबोलिज्म। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है, विदाउट एक्सेप्शन है डिफाइनिंग फीचर, और डिफाइनिंग फीचर में तो ऐसे भी एक्सेप्शन नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। बाकी इन सब में कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, जैसे इसका एक्सेप्शन है आपका वर्कर बी, ठीक है, म्यूल, ठीक है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस में अगर कोई पर्सन कोमा में है तो उसको क्या कहेंगे, तो वो सब चीज़ें क्या करता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा करता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म के बिना कोई भी लिविंग वर्ड, कोई लिविंग थिंग्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन है आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि VNTR the form the basis of DNA fingerprinting. VNTR का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल
नंबर टैंडम रिपीट्स, और ये जो रिपीट्स हैं टैंडम रिपीट्स वो हमें कहाँ मिलते हैं, तो जब हम क्या करते हैं इसको रिस्ट्रिक्शन, किसी भी डीएनए को रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से डाइजेस्ट करने के बाद जब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमको दो बैंड इस तरह से हम लोगों को मिलते हैं, नैरो और ब्रॉड बैंड, मतलब इसमें स्मॉल पिक और इसमें लार्ज पिक वाला। तो नैरो जो बैंड होता है दैट इज स्मॉल पिक बैंड जो होता है उसमें 80 कंटेंट ज़्यादा होता है, कौन सा 80 कंटेंट ज़्यादा होता है, और इसी के अंदर रिपीटेटिव सिक्वेंसेस होता है, रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक और दे रखा था ना कि VNTR, देखो इसमें से VNTR जो है दे आर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिजम्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिजम्स ये जो वर्ड है बच्चों ये आपको मिलेगा जाके एनसीईआरटी पढ़ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मिलेगा, वहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के बेसिस में, जैसे 10 जीन लिया और इस 10 जीन में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिजम्स। तो इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज नहीं करते हैं। दूसरा है दे शो द हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यही जो है ना इसी से VNTR जो है ना VNTR वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, तो ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स को ही यूज किया जाता है VNTR में। और दूसरा बोला इसमें दे डू नॉट शो, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दे आर हेरिटेबल्स बिल्कुल सही है, तो ये दो वर्ड ठीक लग रहा है। उसके बाद दे फॉर्म द मेजर, मेजर नहीं क्या बोला जाता है स्मॉल पिक माइनर पिक का फॉर्मेशन करता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर बी एन डी आंसर हो जाएगा, दैट इज आंसर हो जाएगा डी आंसर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 130 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखो नॉट करेक्ट, जब भी क्वेश्चंस किया करो तो तुरंत इसको अंडरलाइन कर लिया करो कि पूछना क्या चाह रहा, पूछ क्या रहा है। तो नॉट करेक्ट, अब नॉट करेक्ट में हम देखना पड़ेगा एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं चलो। बोला सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड आर फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी जो होता है उसी में ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन ये प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनता है। दूसरा बोला न्यूक्लियस इज अ साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस, तो आरएनए का जो सिंथेसिस होता है क्योंकि डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है जैसे आरएनए बनता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस में आरएनए बनने के बाद ये बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म में, तब जाकर उसका ट्रांसलेशन होता है, ये भी सही दे रखा है। नेक्स्ट बोला मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम्स का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा क्रोमोजोम जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें देखो यहाँ पे ये ले लेते हैं मेटासेंट्रिक, तो मेटासेंट्रिक में ये दोनों आर्म्स क्या होने चाहिए, दोनों आर्म्स इक्वल साइज के होने चाहिए इसमें सेंट्रोमेयर के दोनों साइड्स में, बट यहाँ पे क्या बोला मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज वन लॉन्ग आर्म और वन शॉर्ट आर्म, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, गलती है, तो यही आंसर यहाँ पे होगा। लास्ट आ जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज ऑफ लाइसोजाइम आर एक्टिव अंडर द एसिडिक पीएच, तो बेसिकली वैसे लाइसोजाइम्स के अंदर भी क्या होता है एक्टिव प्रोटोन पंप होता है, जैसे क्या होता है इसमें H प्लस पंप किया जाता है और H प्लस बढ़ेगा तो pH क्या होता है कम होता रहता है, तो मतलब एसिडिक pH इसके अंदर बिल्कुल ही रहता है, ये भी सही है। मतलब इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो गया, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, सी नंबर हो गया, दैट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन है 140, मैच द फॉलोइंग, क्लियर है, इसमें मैच करना है हम लोग को फॉलोइंग ऑप्शन जो उसको मैच करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो मैच करते हैं चलो। ये बच्चों कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बता सकते हो क्या, ये एक क्वेश्चन है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का वायरस वाला पोर्शंस का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी थोड़ा ऑप्शन इधर उधर मिल जाता है हमें। देखो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम लोग इसमें ए ऑप्शंस, तो ए में बोला सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमको कहाँ मिलेगा, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमको मिलता है बच्चों इसमें थर्ड ऑप्शन दैट इज ये वाला, मतलब 5x174 बैक्टीरियोफाज, तो बैक्टीरियोफाज में जनरली क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो बच्चों ये बेसिकली रेट्रोवायरस के जो मेंबर होते हैं या फिर ऐसा वायरस जो एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करता है उसमें हो सकता है, तुम्हारा एचआईवी जैसे हो गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और लास्ट है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बच्चों वैसे हेपेटाइटिस वाला जो पार्ट है इसको पढ़ना है, तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है उसमें आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, बट वहीं पे ए में जाओगे तो उसमें आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। ठीक है,
तो ये बस एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल था, तो इसलिए इसको क्वेश्चन में डिज़ाइन कर दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर मैच करते तो इसमें आंसर सी इज करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स वाज कैरिड आउट बाय। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स का जो केमिकल कैरेक्टराइजेशन था बच्चों, पहले देखो ग्रिफिथ ने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशंस वाला। बट उसका केमिकल नेचर जो है फाइनली, तो ग्रिफिथ ने तो नहीं बताया, किसने बताया, फिर जो नेक्स्ट जो तीन साइंटिस्ट आते हैं उन्होंने बायोकेमिकल नेचर करके बताया था, और उसमें आंसर हो जाएगा तुम्हारा एवरी, मैक्लेरी एंड मैकार्डी, ये तीन जो हैं ये साइंटिस्ट इन्होंने रिप्रेजेंट किया, दैट मीन्स इसमें आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल है बच्चों, अगर इसमें जानना चाहते हो कि कैसे केमिकल एनालिसिस करके बताया, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अगर तुमको याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। देखो इन्होंने दो स्ट्रेन लेके चल रखा था, तो एक स्ट्रेन था आर स्ट्रेन था और एक था एस स्ट्रेन, एस फॉर स्मूथ कॉलोनी, और स्मूथ कॉलोनी वाला कैप्सूल्स बनाता था, तो ये यही क्या था, यही यही क्या था तुम्हारा इसमें पैथोजेनिक जो था, पैथोजेनिक था, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जैसे आर स्ट्रेन लिया और तीन टेस्ट ट्यूब ले लिया, तीन टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ऐसे, और इन्होंने इस एस स्ट्रेन के एनालिसिस करके अलग अलग कर लिया, इसका प्रोटीन अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, फैट सेपरेट कर दिया, डीएनए जो है उसका सेपरेट कर दिया, आरएनए सेपरेट कर दिया, और इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने डाल दिया, सबको अलग अलग डाल दिया, और इस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी इन्होंने पहले से क्या रखा था, इसमें से सब में आर स्ट्रेन रखा हुआ था, इसके अंदर आर बैक्टीरिया को ऑलरेडी ले रखा था, ठीक है। अब इसमें से प्रोटीन डाल दिया, इसके अंदर फैट डाल दिया, इसके अंदर डीएनए डाल दिया, इसके अंदर और जो भी केमिकल निकाला था, तो अब उन्होंने देखा इस डीएनए कंटेनिंग जो स्ट्रेन जिसमें डीएनए इन्होंने ऐड किया था, उसी में देखा कि ये आर जो है ये ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया किसमें, एस टाइप बैक्टीरिया में चेंज हो गया, दैट मीन्स इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये डीएनए को एक्वायर जो भी करेगा वही क्या है, वही आर से एस में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स ये डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। थोड़ा इसको समझना तो तुम्हें वो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से, तो जाके और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन जो है बच्चों आपका, ये है 160 नंबर क्वेश्चंस। तो 160 नंबर क्वेश्चंस में अगर हम देखते हैं तो ये आपका जो क्वेश्चन है बच्चों, ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, सॉरी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चंस है, और इसमें मैच करना है सिंपली, तो मैच करते रहते हैं और ऑप्शन बाद में मिला देते हैं। देखो ये है जूस स्पोर, तो जूस स्पोर्स जो है क्लेमाइडोमोनास में बनता है, तो ये सीधा सीधा हम लोग को दिख रहा है ये वाला ऑप्शन इसमें, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक का चार, तो एक का चार ढूंढो किसमें किसमें है, यहाँ पे है एक का चार, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक का चार ना, एक का चार इसमें और इसमें है, मतलब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा आ जाते हैं कोनिडिया पेनिशिलियम, कोनिडिया पेनिशिलियम किसमें है, ये जो डायग्राम दिख रहा है थर्ड वाला, तो मतलब बी का थर्ड, तो बी का थर्ड इसमें है, मतलब ये भी गया, आंसर यही होने वाला है। बाकी और ऑप्शन भी ला सकते हैं, इसी को एलिमिनेशन राउंड कहते हैं बच्चों। तो अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं तो इसी तरह से ऑप्शन को ओमिट करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ, फाइनली आंसर तुम्हारे सामने होगा। बाकी इसमें मिला तो जैसे हाइड्रा, हाइड्रा में बटिंग होता है, तो सी का टू हो जाएगा, वेरी सिंपल। बाकी ये तो समझ में आ ही गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसमें हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन है बच्चों आपका 117, इसमें पूछ रहा है कि द वाइटमिन ऊज कंटेंट इंक्रीज इन फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन मिल्क टू द कर्ड बाई द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से जब कर्डिंग प्रोसेस होता है तो उस मिल्क में वाइटमिन B12 कंटेंट क्या होता है, बढ़ता है, इनरिच होता है। सीधा एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है, कोई इसमें चीज नहीं है, कोई समझने वाला कोई लॉजिक चीज नहीं है, सीधा एनसीईआरटी में एज ए फैक्ट दिया हुआ है, उसको याद करके रख लेना, तो आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट आ जाते क्वेश्चन है बच्चों आपका 180, ये गडलिंग एक्सपेरिमेंट्स का है। थोड़ा ज़्यादा ही इस बार एनाटॉमी के क्वेश्चन डल गए हैं, ठीक है, ज़रूरी भी है क्योंकि एनाटॉमी 3-4 क्वेश्चन कवर करता है तो अच्छा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है 180 गडलिंग एक्सपेरिमेंट। तो गडलिंग एक्सपेरिमेंट्स पहले होता क्या है और प्रूफ क्या करता है वो चीज़ें बताते हैं। देखो गडलिंग एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया जाता है, एक स्टेम लिया, ये स्टेम है, और इसमें से एक रिंग के फॉर्म में बार्क को रिमूव कर दिया जाता है। बार्क रिमूव करने का जो पर्पस है यहाँ पे, इसमें क्या चला गया, इसमें आपका फ्लोएम, फ्लोएम भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है, फ्लोएम भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। बार्क तो फ्लोएम रिमूव हो गया, तो फ्लोएम क्या करता है, फूड का कंडक्शन करता है। तो अब इस ऊपर से जब फूड आएगा तो जाने का रास्ता तो बंद है, तो वो क्या होता है बच्चों, वो इस जगह पे जमा होता चला जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग होता चला जाता है, और ये देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा स्वेल है, एकोमोलेशन ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे जमा हो जाता है। यही एक्सपेरिमेंट्स है गडलिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो जहाँ से बार्क हम लोगों ने इस तरह से ऐसे रिमूव जो किया है ना, ये बार्क रिमूव जो किया है, उस जगह पे यहाँ पे स्वेलिंग होने स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे फूड मटेरियल जमा हो रहा है, यही स्वेलिंग को शो करता है तुम्हारे इसमें, ठीक है, ये स्वेलिंग को शो करता है तुम्हारा। तो दैट मीन इससे प्रूफ क्या होता है, तो प्रूफ क्या होता है बच्चों, इसमें देख सकते हो द मेजर द रूट प्रेशर ऑफ द प्लांट, नहीं, टू प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द फ्लोएम, बिल्कुल सही है, यही होगा। गटेशन, नहीं, ये गटेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, इससे भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं, आंसर इसमें बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन है बच्चों, ये है आपका सिंपल है, डाटा बेस है बच्चों, इसको तो अभी देखो इतने बार टेस्ट हुआ है कि अगर तुम सिर्फ अपने जो टेस्ट हुए जो है NTS के अभी तक, उन सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। मतलब इतने बढ़िया तरीके से टेस्ट हम लोग का कंडक्ट हुआ था कि पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया। मतलब अभी हमें क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो हम लोग सर पटकते हैं कि अब कौन सा NCERT का लाइन यूज़ करें, समझे। तो अब यहाँ पे सिर्फ सेम डाटा जी है बच्चों, यहाँ पे तीन तरह का कंडीशन होता है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपिगाइनस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन द थैलेमस के बेसिस पे निकाला जाता है। तो इपिगाइनस में क्या होता है, इसमें ओवरी क्या होता है, सुपीरियर होता है, जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। पेरीगाइनस सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर वाला कंडीशन, प्लम, रोज एंड पीच। और अगर इपिगाइनस कंडीशन में जाते हैं तो इसमें फ्लोरल पार्ट ऊपर और ओवरी नीचे चला जाता है, इन्फीरियर ओवरी कंडीशन होता है, है ना। और इन्फीरियर ओवरी के लिए सिंबल वगैरह भी बना बना के देखते हैं, तो सिंबल इसमें क्या था, इन्फीरियर ओवरी के लिए ऐसे और सुपीरियर ओवरी के लिए ऐसे हम लोग बना के देखते हैं। तो इसमें आंसर क्या है, ग्वाबा, कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है इपिगाइनस, तो इपिगाइनस सीधा याद रखना है कुकम्बर होता है तुम्हारा, बाकी मस्टर्ड, धतूरा और एलियम ये तो अलग अलग है, बट यहाँ पर सीधा अगर ये याद है तो तुम इपिगाइनस को मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर सकते हो, डन 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 डन। आगे जाओ, क्वेश्चन है 120, द सेलेक्ट करना है इसमें से करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल। एक बार क्वेश्चन देखते रहो तुम लोग, ट्राई करो जिन्होंने अभी तक किया ही नहीं है। देखो ला ला ला, ला ला ला। देखो सेलेक्ट करना है करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स में बच्चों एक है बैसिलस थोरियोजेनेसिस, इससे थोरियो प्रोटीन्स निकलता है और इसको यूज किया जाता है स्प्रे करके। ट्राइकोडर्मा स्पेसिस, तो ट्राइकोडर्मा स्पेसिस एक फ्री लिविंग रूट पैरासाइट्स होता है, रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, और ये कुछ केमिकल रिलीज करता है जो क्या करता है, सेवरल प्लांट पैथोजेंस को क्लियर कर देता है। और एक है बकेलो वायरस, तो बकेलो वायरस को भी यूज़ करते हैं एज अ बायो कंट्रोल, इसको क्या कहता है, अटैक इंसेक्ट एंड द अदर ऑर्थोपोड्स वगैरह को इंसेक्ट करता है, अफेक्ट करता है तुम्हारा। तो इसमें ये तीन ऑप्शन हो गया, अब यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, एक तो ट्राइकोडर्मा और एक बकेलो वायरस इसमें तो है दिख रहा है, बाकी इसमें देखो जू बैक्टीरिया में सब नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइक्रोराइजा नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइनोबैक्टीरिया माइक्रोराइजा, राइबोसोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट्स पे पहला ही सही है, ऑप्शन ज़्यादा इजी दे रखा था, बट ऐसे अगर देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन ना पड़ जाए। माइक्रोब्स इम्यूनोफ्लेयर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पूषा
गौरव इज वैरायटी ऑफ, तो पूसा गौरव जो है ये वैरायटी है किसका, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सोचो मत। यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी का क्लिप है, छोटा सा स्क्रीनशॉट है, तो ब्रैशिका है ना, ब्रैशिका, तो ब्रैशिका में जैसे मस्टर्ड वस्टर्ड बहुत सारा ऑप्शन में आ सकता है, मस्टर्ड दे रखा है, जैसे रैपेसिस रैपसीड मस्टर्ड, रैपसीड मस्टर्ड, तो रैपसीड मस्टर्ड दे रखा है, इसी का नाम देखो पूसा गौरव है, तो इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें दूसरा जो है अलग अलग चीज़ें हैं, तो इस तरह के जितने भी चार्ट है ना इस वाले चैप्टर में, स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर है, उनका एक शॉर्ट नोट बना के याद कर लो, या फिर अपने एनसीईआरटी में ही देखते रहो, उसको बार बार याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन है आपका 120, तो 120 में बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेरिस्पर्म्स, तो पहला नंबर आता है पेरिस्पर्म्स क्या होता है, तो जिनको पता नहीं है उनको बता दो बच्चों। देखो न्यूसेलस जो है जनरली क्या हो जाता है, जनरली तो डिजेनरेट कर जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट इन सम प्लांट इट विल ट्रांसफॉर्म्ड इन, किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसमें पेरिस्पर्म में, मतलब दैट परसिस्ट इन प्लांट एज ए पेरिस्पर्म्स, पेरिस्पर्म्स के तौर पे ये परसिस्ट कर जाता है, और लाइट चला गया। थोड़ा सा लाइट चला गया, लगता है कट गया है, एक सेकंड रुक जाओ देख लेते हैं। आने से उसके आई बहार, जाने से उसके जाए बहार। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था ये, से ऐसे देखो छोटी मोटी उतार चढ़ाव तो लाइफ में आता ही रहता है, मार्क्स कम आ रहे हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिर से लाइट गया, फिर से लाइट आया। देखो टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव करने का, तो आप उसको अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करो,
अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बसरते बैठ के रोना कि भाई मेरे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे, अच्छे नहीं आ रहे, उससे अच्छा है कि अगर आपके बहुत कम ही मार्क्स है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उससे अच्छा करने की कोशिश करो नेक्स्ट टेस्ट में, ओके। और जिनके बहुत अच्छे आ रहे हैं उनसे कंपेयर मत करो अपने आप को, तुम अपने औकात की दो, अपने औकात को देखो कि क्या है, तुम अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को इम्प्रूव करो बस। तो छोटा छोटा स्टेप भी अगर इम्प्रूव करते रहोगे अच्छा कर लोगे लाइफ में, समझे। इसको जनरेटर से जोड़ा है क्या? ले नहीं पता है लोड। अभी है लाइट के गया? पता नहीं, बाहर था। करिए अभी उसको फिर से डाउनलोड करके वो करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे ये प्राइवेट भी पे है। हाँ मतलब अगर मान लिया सार्वजनिक हुआ तो वैसे ही जाएगा ना। चलो देखो आगे करते हैं बच्चों, तुमको देखो दिखाते हैं कैसे कैसे किया है यहाँ पे। माय कंप्यूटर में घुस के मारा फोल्डर में जाना है, ये क्वेश्चन थोड़ा देखते रहिए। कहाँ तक पहुंच गए थे बालक? दिल बेकार मैं ये क्वेश्चन बता रहा था, ठीक है वापस से बता देता हूँ। चलो अब पता नहीं उस टाइम पे कहाँ तक पहुँचा था, मुझे खुद नहीं याद है, तो मैं शुरू से बता देता हूँ। तो पेरिस्पम्स क्या बोला? पेरिस्पम्स क्या होता है? ये आपका न्यूसेलस जो होता है ना, जनरली मैंने क्या बोला, डिजेनरेट हो जाता है, लेकिन अगर मान लो न्यूसेलस परसिस्ट कर जाता है तो इसी को कहते हैं पेरिस्पम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिस्पम्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्पम्स। और पेरिस्पम्स में ये एग्जांपल्स कहाँ मिलता है? तो बच्चों इसमें कुछ तो याद रखना, जैसे एक हो गया आपका ब्लैक पेपर, पाइनस, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। उसके अलावा बीट, ये कुछ एग्जांपल, इनको याद रखना। बाकी पहले वाले दो तो एंजियोस्पर्म है और ये जिम्नोस्पर्म्स है। तो इस केसेस में आंसर क्या हो जाएगा? इस केसेस में आंसर हो जाएगा ब्लैक पेपर हो गया, बाकी यहाँ ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है। ऑर्किड में एम्ब्रियो क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है, उसमें एंडोस्पर्म्स होता नहीं है तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो मैच कर लेते, चलो मैच करके देख लेते हम लोग कि क्या इसमें है सिचुएशंस, ठीक है। देखो यहाँ बोला मैच द कॉलम, तो ये वन एंड टू है, इसमें लाइकन्स, माइक्रोराइजा, वायरवाइट, पीरिवॉन्स दे रखा है, एक एक करके मिलाते हैं। तो लाइकन्स क्या होता है? ये आपका लाइकन्स, हाँ बिल्कुल सही है, पॉल्यूशन इंडिकेटर हो सकता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। और माइक्रोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, वायरवाइट आर एन ए फ्री
स्ट्रक्चर होता है और पेरियॉन्स में इसमें सी जेड एच मतलब इसमें सीधा मैच किया हुआ है, इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब इसमें ऑप्शन ए जो है ना वही सही, 123 का ऑप्शन ए सही है। इसमें सी जेड क्या बच्चों, इसमें तो यहाँ पे है एनसीईआरटी में सी आर लिखा है, क्रूज फेल्ड जकॉब डिजीज कहते हैं जिसको मेड काउ डिजीज भी कहा जाता है, और या फिर इसको बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी डिजीज होता है जो कि प्रियॉन्स कॉज करता है, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, ठीक है ना, प्रियॉन्स वाला डिजीज। क्लियर है? तो इसमें आंसर क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे हम लोग फर्स्ट इज करेक्ट आंसर्स, ठीक है। एनीवे सिंपल क्वेश्चन था ये भी, मैच बस करना था। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है बच्चों डाई कैरियोफेज अकर इन, डाई कैरियोफेज। तो इसमें बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से देखते हैं, ध्यान से देना। देख डाई कैरियोफेज कहाँ कहाँ मिलता है, तो पहले डाई कैरियोफेज क्या होता है उसको बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन और आगे मिलेगा तो उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशंस करना है ना, तो हम लोग अभी कर लेते हैं, सिंपल सा रहेगा। देखो फंगस के केसेस में जो माइसेलियम होता है ये दो तरह का होता है, पहला नंबर तो एक होता है ए सेप्टेट, या इसको हम लोग बोलते हैं क्वानोसिटिक, और एक होता है सेप्टेट। सेप्टेट में दो तरह का होता है, एक होता है मोनो कैरियोटिक और एक होता है आपका डाई कैरियोटिक, डाई कैरियोटिक, मोनो कैरियोटिक एंड डाई कैरियोटिक। तो मोनो कैरियोटिक में इसमें क्या होगा बच्चों, मोनो कैरियोटिक में ध्यान रखना है, इसको प्राइमरी माइसिलियम भी कहते हैं और इसको सेकेंडरी माइसिलियम भी कहते हैं। तो ये जो डाई कैरियोटिक फेज है ना, ये आपको एस्कोमाइसिटिज्म और बेसिडोमाइसिटिज्म में मिलता है, एस्को और बेसिडोमाइसिटिज्म में मिलता है। तो एसेप्टेड मतलब इसमें क्या होगा, ये हाइफी है, इसमें न्यूक्लियस में कोई पार्टीशन वाल नहीं होता है, तो ये मल्टी न्यूक्लियेटेड, बट इसमें पार्टीशन वाल होता है, तो जैसे यहाँ पे एक पार्टीशन वाल और इसमें एक के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, तो इसको मोनोकैरियोटिक। और इसमें क्या होता है, इस तरह से अगर मान लो एक पार्टीशन वाल के बीच में दो न्यूक्लियस इस तरह से रहता है, तो डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं, जो कि एस्कोमाइसिटिज्म और बेसिडोमाइसिटिज्म में मिलता है। आपका जो फियोमाइसिटिज्म जो है, तो फाइकोमाइसिटिज्म में एस्कोमाइसिटिज्म मतलब ये वाला कंडीशन होता है, एसेप्टेड कंडीशन होता है, क्वानोसिटिक कंडीशंस होता है। सेम ओमाइसिटिज्म के केसेस में भी सेम वही चीज़ होता है तुम्हारा, ठीक है, क्लियर है। जाइगो में भी सेम इस समय एसेप्टेड कंडीशन होता है, सिर्फ एस्को बेसिडो और ड्यूटेरोमाइसिटिज्म में सेप्टेड कंडीशंस होता है, उसमें पार्टीशन वाल होता है। और ड्यूटेरो एस्को और बेसिडिजो में अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ एस्को और बेसिडिजो में डाइकैरियोटिक फेज प्रेजेंट होता है, बाकी में नहीं होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस बच्चों, आपका है 125, व्हाट इज द डिफरेंस डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। बहुत ही सिंपल, जैसे ये तो रट के बैठे हो गए ना, इसमें कोई शक तो है नहीं कि आपका जो वाटर का जाइलम का जो कंडक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल, और फ्लोएम में जो कंडक्शन होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल में भी क्या होता है, जल जो जल है मतलब जाइलम जल बोलता रहता हूँ, तो वाटर का जो मूवमेंट होता है हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू और ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है, उसमें से 1% वाटर यूज़ हो जाता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, वेरी इजी। नेक्स्ट आते हैं 126 नंबर क्वेश्चंस। तो 126 में बच्चों यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल एंड डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन द फॉलोइंग फेज, किस फेज में होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो सेल साइकिल वाला पार्ट अगर देखोगे तो सेल साइकिल्स पार्ट्स में, ठीक है, सेल साइकिल्स पार्ट में तो G1 जो फेज होता है, ये G1 फेज। तो G1 फेज में आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे सेल साइज जो है, सेल का जो साइज है, सेल साइज ये बढ़ता रहता है। सेल जो होता है मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है।
बट एस फेज में जैसे आओगे तो यहाँ पे डीएनए से डीएनए बनना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज रेप्लिकेशंस। साथ में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाता है, सेंट्रियोल यू नो दैट की इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिविजन्स में, क्योंकि इसी से स्पिंडल फाइबर बनता है और ये सेल डिविजन्स में हेल्प करेगा। क्लियर है? तो सेंट्रियोल जो है ये आपका इन्वॉल्व हो जाता है स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए और ये एस फेज में ही बन जाता है। बाकी जी टू फेज में जो सेल ऑर्गेनेलिज उनका डुप्लीकेशन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ये सब डबल हो जाते हैं, बाकी इसमें भी अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहता है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ये एस फेज इज करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर हो जाएगा बी। ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, फॉर्मेशन ऑफ PGAL। ठीक है, PGAL एंड DHP इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, याद है क्या? नहीं याद है तो याद करो मेरे साथ। चलो देखो, NCERT में सीधा दे रखा है, ये आपका हो गया ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट। जब ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है ना बेटा, तो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में जब ये लाइसिस होता है, यहाँ पे लाइसिस इसको बोला जाता है, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लाइसिस होता है और लाइसिस किसकी वजह से होता है, तो लाइसिस होता है आपका, ध्यान में रखना, एल्डोलेज एंजाइम के मदद से होता है। ये एल्डोलेज एंजाइम जिसमें ये टूट के आपका ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट दैट इज PGAL और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दैट इज DHAP का फॉर्मेशन करता है फ्रुक्टोज 6-बिसफॉस्फेट से, है ना, 1-6 फ्रुक्टोज 1-6-बिसफॉस्फेट से। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस होके ये और ये बनाता, फाइनली ये चेंज होके ये बना देता, इसलिए ये दो दो मॉलिक्यूल्स हम लोग लेके चलते हैं। ओके तो यहाँ पे आंसर सीधा हो जाएगा एल्डोलेज। तो इस एंजाइम को आपको याद रखने के लिए बोला गया है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का यहाँ तक इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आई होप कि तुम सभी लोगों ने किया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो चलो मैं जो भी रही सही कमी है पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पूछ रहा है द लीफी स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया। तो लीफी स्ट्रक्चर कौन है इसमें, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट, कौन बोलेगा? तो लीफ होता है गैमेटोफाइट में। तो ये जो गैमेटोफाइट है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन जो गैमेटोफाइट का है, और हमें पता है गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है, और यहाँ पे हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज में क्रोमोसोम नंबर दिया है, मतलब N=20 क्रोमोसोम दिया हुआ है। तो हाउ मच क्रोमोसोम प्रेजेंट इन देयर स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट हमें पता है, ये ऊपर वाला जिसमें फूड सेटा कैप्सूल आता है, ये क्या है, स्पोरोफाइट फ्यूनेरिया का, और स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड फेज में रहता है, 2N कंडीशन में होता है। तो इसी का क्या कर दो, डबल कर देते हैं 2N, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है 40 है। सो सिंपल्स, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करने के लिए बच्चों स्पोरोफाइट नाम नहीं लिखे, कैप्सूल सीटा फूट इन सब का नाम यूज़ करता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता था। तो कैप्सूल्स भी क्या होगा, स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो उसमें भी क्या होगा 2N होगा, डबल मतलब जो क्रोमोसोम है वो डबल क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 40। वेरी सिंपल क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो जेनेटिक्स का जो क्वेश्चन है ना, करते हैं इसको एक बार ट्राई कर लो, तुम लोग भी कर लो, अगर अभी नहीं किए हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। देखो इसमें बोला जा रहा है कि एंटी रैनम जैसे बोला जाता है, तो पहला नंबर दिमाग में रख लो बच्चों कि ये मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सेप्शन है। किसका? मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सेप्शनल पार्ट हो गया ना। यहाँ पे डेविएशन है, मतलब जैसा मेंडल के हिसाब से वैसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो बेसिकली होगा क्या, तो इस चीज को थोड़ा हम लोग डिटेल में कर लेते हैं, डिटेल में करके देख लेते हैं। ठीक है देखो, अब यहाँ पे दो क्रॉस बोल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब ये जो प्लांट है दो तरह के गैमेट बनाएंगे, ये भी दो तरह का गैमेट बनाएगा, और यहाँ पे तीन तरह का जीनोटाइप और फिनोटाइप बनने वाला है। एक क्या बनेगा, कैपिटल आर, एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक बनेगा स्मॉल आर स्मॉल। क्रॉस करके देख लेना,
इनमें दोनों का जो रेशियो होगा ना, रेशियो होगा 1:2:1 का रेशियो होगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी यहाँ पे कितने हैं? 4 हो गए। इनका अगर हम फिनोटाइप लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं? फिनोटाइप लिखते हैं। तो फिनोटाइप में ये रेड फ्लावर, ये वाइट फ्लावर, ठीक है, बट ये क्या हो जाएगा? पिंक फ्लावर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का डेविएशन, उससे बिल्कुल डिफरेंट आंसर आना है, और ऐसे भी साफ साफ मेंशन किया एनसीईआरटी में, तो ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो गलत हो सकता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो रेड फ्लावर है ये 1 है, पिंक फ्लावर ये 2 है, और वाइट फ्लावर कितना है? 1 है। अब इसके हिसाब से ऑप्शंस को चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला बोला है कि होमोजाइगस रेड एंड होमोजाइगस पिंक फ्लावर प्रेजेंट इन द आर प्रोड्यूस। एक्चुअली मैं क्या पूछ रहा था, मैं भूल गया, ओ इनकरेक्ट पूछ रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो अब यहाँ पे देखो, क्या होमोजाइगस रेड फ्लावर है? हाँ है, रेड फ्लावर है। अब क्या होमोजाइगस पिंक फ्लावर है? नहीं, ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस में पिंक फ्लावर होता है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा आ जाते हैं, रेड एंड वाइट फ्लावर, रेड एंड वाइट फ्लावर, तो रेड एंड वाइट फ्लावर बोला है कि रेड एंड वाइट फ्लावर है क्या? रेड एंड वाइट फ्लावर प्रोड्यूस इन 1:1 रेशियो। तो रेड और वाइट, तो यहाँ पे देखो, रेड और वाइट फ्लावर अगर हम देखते हैं तो एक रेड है और एक वाइट है, तो 1:1 का रेशियो है, बिल्कुल सही है, मतलब ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर शायद यही होगा, बट हम और चेक करते हैं। ओ अच्छा, सही है ना, इनकरेक्ट हमें बताना था, तो पहला वाला इनकरेक्ट है, ये सही है, करेक्ट है। दूसरा क्या बोला है कि फिनोटिपिक एंड जेनोटिपिक रेशियो क्या है? दोनों में देखो 1:2:1 है, तो दोनों सही, ये भी सही है, और इसमें हाफ प्लांट ऑफ होमोजाइगस, हाफ, तो टोटल 4 प्लांट में ये और ये दोनों क्या है? होमोजाइगस है, रेड और वाइट, तो इसमें 4 में से कितने? 2 जो हैं वो है, तो दैट इज 1:2 ही आ रहा है आंसर, ठीक ही है, ये भी सही है। तो आंसर इसमें हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा, ए इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट इसमें से कौन है? ए इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वन, ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 130 नंबर। तो 130 नंबर में क्वेश्चंस में बच्चों बोला जा रहा है, ध्यान देना है इसमें, ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, तो उससे पहले बच्चों यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते 2n, ठीक है, 2n, अगर 2n में एक एक्स्ट्रा कोई भी क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइजोमी कहते हैं। उसमें अगर 2 एक्स्ट्रा है इस तरह से, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2n+1+1, तो इसको बोलते हैं डबल ट्राइजोमी। तो इसी तरह से कुछ कुछ चीज़ें मैच करते रहते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, माइनस, माइनस मतलब 2n-1 करेंगे मोनोजोमी, एक और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका नल्लीजोमी हो जाएगा, मतलब ये नल्लीजोमी। उसके बाद 2n+1 मतलब ये ट्राइजोमी, उसके बाद 2n+1+1 ये डबल ट्राइजोमी, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये डबल नल्लीजोमी था क्या? सॉरी, डबल मोनोजोमी था यार, ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया था, ये डबल, ये हो जाएगा इसमें डबल मोनोजोमी, ठीक है, और ये आ जाएगा डबल ट्राइजोमी, और ये 2n-1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नल्लीजोमी, ये वाला पोर्शंस, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कॉलम कौन सा हो जाएगा इसमें, ये आपका सी वाला मैच कर रहा है, देखो ए का 5, फिर से देखते जाओ, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ पूरा, फिर से देखो 2n-1-1 मतलब -1 क्या करेंगे तो मोनोजोमी, और -1 एक बार और किया तो 2 बार हो गया, मतलब ये डबल मोनोजोमी, तो ये हो गया ए का, है ना, ए का, तो दैट मीन्स ए का 5 हो गया। दूसरा आ जाओ 2n+1 ट्राइजोमी हो गया, 2n+1 ट्राइजोमी, तो बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2n+1+1, तो +1+1 मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा डबल ट्राइजोमी हो गया, डबल ट्राइजोमी, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 ऑप्शन। उसके बाद लास्ट है 2n-1, तो ये हो जाएगा सीधे नल्लीजोमी लेना है, नल्लीजोमी, तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो डी का 3 दे रखा है, बाकी सब मिल कर रहा है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस
ये आपका म्यूटेशन वाला जो पार्ट है उसी का है, और डोंट थिंक कि भाई ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं ना कहीं आता ही घूमता रहता है, ठीक है, समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपका 131, बोला इसमें चीफ कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन जाइलम। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा होगा जाइलम का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है जिसमें, तो एक ट्रैकेड और एक वेसल्स है, तो अब ट्रैकेड वेसल्स में से कंपेयर करना है तो डेकेड है ही नहीं है, जब है ही नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, वेसल्स हो जाएगा, सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं, पेन भी नहीं चलाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन है बच्चों आपका 132, बोला स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस डायोसियस, मतलब इसमें आपको डायोसियस मतलब यहाँ पे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म थैलवाइड इन गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट में थैलवाइट तो बहुत ही यूनिक कंडीशन है बच्चों, हेट्रोथैलाइक कंडीशन जो होता है वो ब्रायोफाइट्स के मर्केंशिया में मिलता है, तो ये डायग्राम उसी का मैंने बना रखा है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये दोनों सेपरेट सेपरेट मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग बनता है, आंसर हो जाएगा मर्केंशिया, तो मर्केंशिया इसमें आपका यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स वाला होता है तुम्हारा, बाकी सब में क्या होता है, सब में दोनों एक ही पे होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन सब में होता है। 130 में बोला है कि जाइलम ऑफ डाइकोट लीफ इज प्रेजेंट टू अर्थ, तो देख इसमें स्टेटमेंट हो ना हो बट अगर मोनोकोट या डाइकोट दोनों के केसेस में बच्चों ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है एडेक्सियल सरफेस और नीचे एबेक्सियल सरफेस, तो ऊपर के साइड में ये जो जाइलम बना है ना, ये जो जाइलम बना हुआ है जाइलम, ये ऊपर के साइड में मतलब ये एडेक्सियल साइड में होता है, मोनोकोट के डायग्राम में भी देखोगे मिलेगा, और बाकी ये नीचे वाला ये सब फ्लोएम वाला पार्ट होता है, तो एबव साइड में होता है, एडेक्सियल साइड में इसमें जाइलम होता है, क्लियर है। मोनोकोट में भी सेम ही है, डाइकोट में भी है, दोनों डायग्राम आप कंपेयर करके देख सकते हो, बट हालांकि यहाँ पे कंपेयर तो नहीं किया करा रहा था आपको, सीधा डायरेक्ट पूछ रहा था, तो आपको डायरेक्ट अगर याद है तो अच्छी बात है, हो जाएगा, क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन है 134, एक्सेप्टेड कॉनोसाइट माइसिलियम इज ऑब्जर्व, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी क्वेश्चन में समझाया था, तो उसमें आंसर हम लोग का एक्सेप्टेड कॉनोसाइटिक, तो बाकी देख ड्यूटेरो बेसिडो और एस्को, इसमें सेप्टेड होता है सिर्फ फाइकोमाइसेटिज्म में एक्सेप्टेड कंडीशन होता है, तो ए का आंसर हो जाएगा 34 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें देखो ये सब वही मिला के रखा हुआ, मिला लेना तुम लोग, देखो फाइकोमाइसेटिज्म में एनसीईआरटी के लाइन कॉपी किया मैंने, माइसिलियम इज एक्सेप्टेड एंड कॉनोसाइटिक होता है, और बाकी इसमें एस्को बेसिडो में माइसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेड होता है, और इसमें भी ड्यूटेरो में भी माइसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 135, Which of the following is incorrect statement regarding the protista? Protista के रिस्पेक्ट में कौन सा इसमें से incorrect है, तो हमें थोड़ा इसको पेशेंस के साथ बच्चों थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है। यहाँ पे देखो बोला है पहला, it form the linkage, यहाँ पे incorrect find out करना है सबसे पहले, तो इस चीज़ को highlight कर लिया करो, ठीक है। ऑनलाइन में तो पॉसिबल है, लेकिन जब भी ऑफलाइन एग्जाम देना या फिर घर पे प्रैक्टिस करना है तो इस सब चीज़ों को अंडरलाइन करके रखने रहना, ठीक है। एनीवे तो फोकस ऐसे भी करना चाहिए आपको कि क्या पूछ रहा क्या नहीं, क्योंकि नहीं तो बार बार आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ जाएगा ना। ठीक है, देखो तो इट फॉर्म द लिंक बिटवीन द प्लांट एनिमल एंड फंजाई, बिल्कुल सही है, प्लांट के साथ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहते हैं, जैसे इसमें आपका डायटम्स है, डायनोफ्लेजलेट है, यूग्लिना है, एनिमल से मिलता जुलता है प्रोटोजोआ हो गया, और फंजाई से मिलता जुलता स्लाइमोल्स होता है, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिज्म हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, तो ऑब्वियसली प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, अगर ये यूकैरियोटिक है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होगा ही, और देयर लेकोमेट्री स्ट्रक्चर में सीलिया, फ्लेजला और सीडोपोडिया, जैसे सीडोपोडिया अमीबा में मिलेगा, फ्लेजला आपको मिलेगा उसमें यूग्लिना वगैरह जो हो गया उसमें, और सीलिया हो गया पैरामीशियम के केसेस में मिलता है, तो ये सब भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इसमें इनकरेक्ट में आंसर ये हो जाएगा, ऑल द मेंबर आर दिस किंगडम आर द डिकम्पोजर बैक्टीरिया, और कौन होता है फंजाई के जो मेंबर होते हैं वो मेजर डिकम्पोजर ग्रुप को इंस्टिट्यूट करते, ये नहीं करता है, ठीक है। हाँ हो सकता है कि इसके कुछ मेंबर हो और पार्टिसिपेशन कर रहे हो, लेकिन ये नहीं होता पूरा पूरा का किंगडम्स,
ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन है आपका 136, द इन मैंगो एंड कोकोनट ड्रुप फ्रूट डेवलप फ्रॉम, बहुत ही सिंपल बच्चों, ये आपके फ्रूट में बहुत ज़्यादा, देखो ज़्यादा डिवीजन तो नहीं किया है, हाँ अच्छा मैं बोलना ही भूल गया, ये आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो सेक्शन सी जो है, सेक्शन बी जो है बच्चों, इसमें आपके 15 क्वेश्चन है लेकिन करना आपको 10 है, बट मैं यहाँ पर पूरे 15 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, तो डोंट वरी, आप जो भी क्वेश्चन किए उसी हिसाब से अपना अपना सोल्यूशन देख लेना स्किप करके, बट बेटर होगा कि सारे क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा अच्छा तुम्हारे लिए। देखो अब आ जाते हैं मैंगो जो है एंड कोकोनट है, ये ड्रुप फ्रूट होता है, ये तो पहले से पता है, ठीक है, ड्रुप मतलब इसका स्टोन इंडोकार्प जो होता है उसके बेसिस पे। अब ये डेवलप कैसे हुआ, तो ये दोनों में देखोगे बच्चों, दोनों तो वन सीडेड है, वन सीडेड में एक चीज़ तो कॉमन होगा, मोनोकार्पलरी होता है, मल्टीकार्पलरी होगा नहीं, तो इन दोनों को तो उड़ा दो, यहाँ पे इंटायर इन्फ्लोरेसेंस द फ्रूटी टाइप अलग हो जाएगा। अब आ जाता है कि सुपीरियर या इन्फीरियर, तो बेसिकली यहाँ पे अगर मान लो ये कंडीशन है तो इस केसेस में सुपीरियर ओवरी होता है, इन्फीरियर जो है कुकम्बर के केसेस में होता है, ठीक है, रेफ्लोरेट्स वगैरह सब उसमें होता है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मैंगो में सुपीरियर ओवरी होता है प्लस मोनोकार्पलरी कंडीशंस होता है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा समझ में, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों आपको स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है 136, क्या है 136, में बच्चों क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है व्हिच टिश्यू इज अब्सेंट इन वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट, वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट, देखो वैसे तो है सिंपल क्वेश्चन लेकिन अगर इसमें ज़्यादा थिंकिंग करोगे तो ये हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, चलो हम भी थोड़ा देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल में मेरिस्टम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर मान लो वैस्कुलर कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है, तो वो तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है। पेरेन्काइमा, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों में, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और फाइबर होता है स्केलेन्काइमेटस होता है, तो ये दोनों भी होगा। अब आता है कोलेन्काइमा, तो हालांकि कोलेन्काइमा जो बच्चों यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है उसमें यहाँ पे कहीं रूल नहीं, किसी तरह से होल रूल नहीं, तो कोलेन्काइमा जो होता है वो होता नहीं है, बाकी के सही है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, दैट एब्सेंट इन द वैस्कुलर बंडल में एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, एक बार इसमें से मिला के देखो, जैसे हैप्लॉइड प्लांट बनाना है तो यहाँ पे क्या करोगे, मियोसिस या माइटोसिस, तो ऑब्वियसली कहोगे मियोसिस, बिल्कुल सही है, बट ये भी कन्फर्म करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिज्म बोला है कि रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज इन सच ऑर्गेनिज्म, तो डिप्लॉयड फेज होता है, अब रिस्टोर कैसे करता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, मतलब मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वेयर एज बी मतलब यहाँ फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड कंडीशन, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रांच एनाटॉमी, वेल नोन क्वेश्चन है बच्चों, ये तो ऐसे ही तुम मतलब एक सांस में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, मतलब एक सांस में भी तो ज़्यादा सेकेंड होता है ना भाई, मतलब 2-3 सेकेंड में ये क्वेश्चन। क्रांच एनाटॉमी किस में होता है, स्पेशली दैट विल सीन इन द C4 प्लांट, और यहाँ पे स्पेशल क्या हुई, बंडल शीट सेल्स और मेसोफिल सेल्स होता है, और क्रांच एनाटॉमी से ये फोटो रिस्पायरेशन से भी अपने आप को बचा लेता है, जैसे मेज है, शुगर केन है, इन सब प्लांट में ये क्रांच एनाटॉमी मिलता है, और C4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोला समथिंग फ्रॉम द डेड बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म कुड चेंज द फिजिकल फॉर्म ऑफ द लिविंग बैक्टीरिया, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं भी बता रहा था इसमें कि बच्चों जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में ही अगर हम चलते हैं, तो ग्रिफिथ में उन्होंने एक आर स्ट्रेन लिया था और एक एस स्ट्रेन लिया था, तो आर स्ट्रेन जो होता था वो कुछ बाहर से लेता था और स्मूथ वाला कॉलोनी में चेंज हो जाता था, तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये ग्रिफिथ का है, क्योंकि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपको NCERT में मिल जाएगा, एक बार रीड आउट कर लेना, जरूर मिलेगा, ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स में।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 141। तो 141 क्वेश्चंस में बच्चों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे assertion reason दे रखा है, दो चीज़ें, ठीक है। तो assertion reasons में अगर हम आते हैं, ध्यान देना है assertion reasons में, तो पहला लिखा है assertions में, थोड़ा पेन निकाल लेते हैं। देखो बोला है कि एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स इज डिप्लॉयड एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। तो एंडोस्पर्म्स बनता कैसे है बच्चों, तो यहाँ पे एक मेल गैमेट, ठीक है, और किसमें पोलर न्यूक्लियाई जो होता है, पोलर न्यूक्लियाई। तो इसमें बच्चों अगर याद हो तो मेल गैमेट हैप्लॉयड था, पोलर न्यूक्लियाई एन प्लस एन होता है, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस में चेंज होता है तो ये 2n हो जाएगा, और इन दोनों का फ्यूजन होता है तो ये 3n बना लेता है, क्या PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियाई बना लेता है, और इसी से ये इवॉल्व होता है किसमें, एंडोस्पर्म में इवॉल्व हो जाता है, किसमें, एंडोस्पर्म्स में इवॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया आपका एंडोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म सीड इज डिप्लॉयड एंड इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा, द मेल गैमेट फ्यूज विथ द टू पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई में, द मेल गैमेट फ्यूज विथ द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड ऑन द सेंट्रल सेल्स प्रोड्यूस प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो शेक है बच्चों, एम्ब्रियो शेक के सेंटर में दो सेल्स होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। बाकी इधर एंटीपोडल सेल्स और इधर एग सेल और दो सिनर्जिड सेल्स होता है, तो इसी की बात कर रहे हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये भी सही है और इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, आंसर हो जाएगा पहला assertion A is and both are correct and reason क्या होता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो इसमें आंसर हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन से बच्चों, ये है आपका देखो ध्यान देना, बोला है कि DNA इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम। तो DNA इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि बिना DNA टेम्पलेट्स का अगर कोई एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाए और जिससे एक छोटा सा DNA बन जाए तो उसको बोलते हैं DNA इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, मतलब सॉरी RNA बन जाए, RNA बना रहा तो RNA बन जाए तो उसको DNA डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। तो बिना टेम्पलेट का RNA बनाएगा कौन, तो उसमें एक एंजाइम है ओकर एंजाइम होता है, वो कर सकता है, ठीक है। ये आपका NCERT में बच्चों, ये पेज पता नहीं कौन सा है, माई मोलिकुलर बायोलॉजी का पेज मैंने लेना भूल गया था, बट इससे जहाँ पे जेनेटिक कोड है ना उसके ऊपर वाले लाइन में आपको ये स्टेटमेंट दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे ओकर एंजाइम क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज वाज ऑल्सो हेल्प द पॉलीमराइजिंग RNA विद द डिफाइंड सिक्वेंसेस एंड इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर एंजाइमेटिक RNA फाइनली, है ना, एंजाइमेटिक RNA उसी चीज़ को बोला, द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट हो गया तो आंसर हो गया ओकर हो जाएगा। बाकी क्यों नहीं है, देखो एंजाइम कैटेलाइजेज DNA रिप्लिकेशन, तो DNA पॉलीमरेज होता है वो तो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है। एंजाइम कैटेलाइजेज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन RNA बनना है तो वो RNA जो होता है वो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है। और एंजाइम कैटेलाइजेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है ये भी क्या होता है, RNA को देख के DNA बना देता है और उसके लिए RNA एज ए टेम्पलेट काम करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए, ठीक है। तो ये भी डिपेंडेंट है तो आंसर हो जाएगा ओकर इज राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे हमारा 134, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है इसको निकालते हैं बच्चों। तो देख सकते हैं, देखो यहाँ बोला पैक्टिन, ओके, पैक्टिनेज आर यूज इन क्लियरिंग बॉटल फ्रूट जूस, क्लियरिंग बॉटल जूस, बेसिकली जैसे मान लो कोई फ्रूट लिया उसका स्क्वीज करके फ्रूट का जूस निकाला, अब उस फ्रूट जूस में बच्चों क्या होता है वो ख़राब होने का डर रहता है बेसिकली, क्योंकि उसमें जो फाइबर्स होते हैं जैसे स्टार्च, स्टार्च के है ना, सेलुलोज वगैरह के,
वो रहते हैं, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करना होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए पैक्टेजिनेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है, जिससे फ्रूट एकदम पूरा साफ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, उसके पेट्रीफाइड होने के डर नहीं रहता है। तो ये तो सही दे रखा। लाइपेज हम लोग डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं आपके ऑयली मतलब फैटी जो लिप स्टेंस होता है उसको रिमूव करने के लिए। और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, मतलब ये भी सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, ईस्ट बोल रहा है प्रोकैरियोट, एक्चुअली में ईस्ट क्या होता है, फंजाई, और फंजाई इटसेल्फ क्या है, यूकैरियोट होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 144। सिनेप्सिस इज अ पेयरिंग ऑफ, सिनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ, तो सिनेप्सिस पढ़ा होगा बच्चों, ये मियोसिस वाले चैप्टर में डेफिनेटली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। तो मियोसिस में जब मियोसिस वन होता है, मियोसिस वन का प्रोफेज वन, प्रोफेज वन में आपके ले जा पिया दर्दे दिल लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस फेजेस में, ठीक है, इन फेजेस में आपका सिनेप्सिस होता है, जिसमें जाइगोटीन में पेयरिंग वगैरह हो जाएगा, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे होमोलेगस क्रोमोसोम पेयर्ड होता है और ये पेयर्ड होकर बायवेलेंट फॉर्म्ड बनाता है, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जिससे यहाँ पे काइजमाटा बना ना, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ और इससे देखो ये डीएनए का सेगमेंट एक्सचेंज कर लिया। तो ये सारा प्रोसेस होता है किसमें होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में, ना कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा एनी टू क्रोमोसोम नहीं, नॉन होमोलोगस नहीं, यहाँ पे टू मैटरनल क्रोमोसोम, तो मैटरनल क्रोमोसोम थोड़ी बच्चों, यहाँ पे दो जो क्रोमोसोम होता है, मान लो जैसे क्रोमोसोम नंबर ये है सेवन, ये भी है सेवन, तो इसमें से एक आया मदर से और एक आया फादर से, तो ऐसा दोनों मैटरनल है ना। तो ये आंसर हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम इज राइट आंसर, दैट इज आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 145 क्वेश्चंस। तो 145 क्वेश्चंस में बच्चों हम देख सकते हैं द प्रोटोकॉल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना, द प्रोटोकॉल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज फॉलोड बाय, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद कौन सा स्टेप हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब आंसर क्या है बच्चों, आपके एनसीईआरटी में जाओ पेज नंबर 132, यहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल वन बाय वन करके दे रखा है। पहला स्टेप है डीएनए आइसोलेशन, दूसरा है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसफरिंग, दैट इज ब्लॉटिंग ऑफ द सेपरेटेड डीएनए। यहाँ पे आंसर सीधा हो जाएगा ब्लॉटिंग, इसके बाद आता है ब्लॉटिंग करने के बाद हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं वीएनटीआर प्रॉप के साथ, फिर उसके बाद हम उसको रेडियोग्राफी करेंगे, तब जाके हमें फाइनल रिजल्ट पता चलता है। तो ऑटो रेडियोग्राफी यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का, सॉरी 145 का ए आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन है बच्चों आपका 146। तो 146 में पूछा जा रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, यहाँ पे स्टेटमेंट में इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है। देखो यहाँ बोला है रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ATS वाला जो सिस्टम, उसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पहला बोला है फर्स्ट ऑप्शन नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों हमें ये तो ठीक है, ATP का सिंथेसिस क्या है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे जैसे NADH है या FADH है, यहाँ पे FADH एक्चुअली में यहाँ पे आता है FADH2, ठीक है, इन सब के में एनर डोनर कौन है वो डिपेंड करता है। तो ये तो सही बोला है, एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला है इबिक्विनीन्स रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया द FADH2। देखो यहाँ से इस वाले सिक्वेंस में देख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स टू है, तो कॉम्प्लेक्स टू में जब आपका सक्सिनेट से फ्यूमिनेट में चेंज होता है उसी टाइम पे FADH बनता है, और FADH से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इबिक्विटीन्स रिसीव कर लेता है, उसी को यहाँ पे बोला इबिक्विनीन्स रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया द FADH2 ऑल्सो, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ बोला साइटोक्रोम सी इज ए इमोबाइल कैरियर। तो बेसिकली अगर साइटोक्रोम देखते हैं तो साइटोक्रोम इस कॉम्प्लेक्सेस से बाहर है,
तो जो जो कॉम्प्लेक्सेस से बाहर है वो सब मोबाइल कैरियर के कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ पे दो मोबाइल कैरियर हैं, एक तो इबिक्विनिन है और एक है दूसरा साइटोक्रोम। तो यहाँ पे मोबाइल होना चाहिए था ना कि इमोबाइल। तो यही आंसर, मतलब गलत स्टेटमेंट आंसर यही हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स फोर हैज टू कॉपर सेंटर, तो कॉम्प्लेक्स फोर अगर है तो कॉम्प्लेक्स फोर में देखोगे तो कॉपर कॉपर दो कॉपर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर के तरह इन्वॉल्व होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में ध्यान से देखोगे या बगल में इसके बगल में जो स्टेटमेंट उसको एक बार पढ़ोगे रीड करोगे तो सब कुछ एकदम साफ साफ तुम्हें दिखेगा और पता चल जाएगा। क्लियर है, कर लेना इसको। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन से बच्चों। आपका 147 एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन आर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, पहले तो सुनो सेकेंडरी सक्सेशंस का मतलब क्या है। तो सेकेंडरी सक्सेशंस मतलब ऐसे प्लेसेस पे होता है जहाँ पे ऑलरेडी कभी ना कभी सक्सेशन हुआ था बट किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, बाढ़ आ गया, वट एवर जो भी है। अब वहाँ पे दोबारा सक्सेशन अगर होता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन और वो बहुत ही फास्ट रेट से होता है। बट अगर मान लो कोई ऐसा एकदम बिल्कुल नया जगह है, बैरन प्लेसेस है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, या फिर किसी ने मिट्टी में गड्ढा खोद के एक तालाब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तब वहाँ पे कभी इकोसिस्टम था ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन में देखो, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखो पहला बोला न्यूली क्रिएटेड पूल, ये तो हो सकता है, लेकिन लैंड विद हैड बीन फ्लडेड ये वाला नहीं होगा। फ्लडेड से मतलब कि वहाँ पे फ्लडिंग के वजह से बर्बाद हुआ। बेयर रॉक हो सकता है, ये प्राइमरी सक्सेशन। और न्यूली क्रिएटेड रिजर्वायर मतलब वहाँ पे वाटर स्टोर करते हैं। तो ये जो है ये दोनों एग्जांपल है प्राइमरी सक्सेशन का, हमें तो सेकेंडरी सक्सेशन का बताना है। तो सेकेंडरी सक्सेशन में यहाँ पे बर्न और कट फॉरेस्ट एंड लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड, ये बिल्कुल सही है सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जाम्पल्स के लिए, दोनों के दोनों सेकेंडरी सक्सेशन है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी सक्सेशन और ये न्यूली कूल्ड लावा, ये दोनों भी क्या है प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हम लोग ले लेंगे सी ले लेंगे, तो सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक? चलो ये थोड़ा हमारा इकोलॉजी का एक क्वेश्चन था। अब आ जाते नेक्स्ट है क्वेश्चन 148 एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज रिगार्डेड एंड एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज रीजेनरेटेड एंड बायोलॉजिकली फिक्स्ड रिस्पेक्टिवली बाय। तो मतलब आउट ऑफ दीज ऑप्शन बच्चों हमें से इसमें से पहला जो चूज करना है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो वो क्या कर रहा है नाइट्रोजन को वापस से रीजेनरेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन होना है। तो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पे सीडोमोनास और थायोबैसिलस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। तब इसमें ढूंढो कहाँ पे है तुम्हारा सीडोमोनास और थायोबैसिलस। तो सीडोमोनास तो यहाँ पे दिख रहा है, थायोबैसिलस यहाँ दिख रहा है, बाकी में तो नहीं दिख रहा, मतलब ये दोनों ऑप्शन उड़ा दो। ठीक है, उड़ा दिया हम लोगों ने इन दोनों ऑप्शंस को। उसके बाद अब आते हैं यहाँ बोला कि बायोलॉजिकली फिक्स, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस में बच्चों यहाँ पे एक तो हमने एकदम एक कॉमन सा एग्जांपल देखा है राइजोबियम, तो ये हो सकता है, बट बैसिलस रेमिकस क्यों नहीं होगा। तो बैसिलस रेमिकस जो है बच्चों ये क्या करता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इन टू द अमोनिया, मतलब जो बॉडी को पेटिफाइड सड़ा गला के उसमें से अमोनिया रिलीज करता है वो डिकम्पोजन, दैट इज को हम लोग क्या बोलते हैं इनको डिकम्पोजर कह सकते हो या फिर डिकम्पोजर कंडीशन में बोल सकते हैं। यहाँ पे होता है अमोनिफिकेशन, शायद ये ढक गया है बट यहाँ पे अमोनिफिकेशन एक वर्ड है तो इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अमोनिफिकेशन वाला पार्ट से आता है, तो ये अमोनिफिकेशन करता है इसलिए इस ऑप्शन को नहीं लिया। बाकी ये दो ऑप्शन जो बच्चों इसमें राइजोबियम तो ठीक था, लेकिन सेकेंड में नाइट्रोमोनास नाइट्रोबैक्टर, तो नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर का काम क्या है देखो, नाइट्रोबैक्टर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है नाइट्रोकोकस यहाँ पे दूसरा और नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास का जो काम होता है नाइट्रोसोमोनास ये क्या करता है बच्चों, ये आपका अमोनिया को ये NO2 में चेंज करता है और जो ये नाइट्रोबैक्टर है ये NO2- को किस में NO3- में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये चेंजिंग करेगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ री
डिफरेंशिएशन। तो पहले तो समझो कि रीडिफरेंशिएशन ये सब चीज़ें क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा मैं समझा देता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग। देखो मान लो ये है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम से जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका डिफरेंशिएशंस। ओके, और जब इस प्राइमरी मेरिस्टम से वापस बच्चों ये क्या बन जाए, सेकेंडरी मेरिस्टम, मतलब रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन, वापस से रीगेन कर लिया डिवीजन पावर, तो अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अगर मान लो क्या हो जाए, इसमें आपका ये वापस से ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना देता है, तो अब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनाया तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं री डिफरेंशिएशंस, री डिफरेंशिएशंस। तो दैट मींस री डिफरेंशिएशंस का मतलब हो गया कि सेकेंडरी मेरिस्टम से अगर वापस से अगर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं री डिफरेंशिएशंस कहते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस में बच्चों हमें देखना है कि कौन सा पार्ट है जो रीडिफरेंशिएशन से बना है ना, यही देखना है ना, रीडिफरेंशिएशन से कौन सा पार्ट बना है वो चीज हमें यहाँ पता लगाना है। ठीक है, देखो इसमें जो कॉर्क है बच्चों, कॉर्क, तो कॉर्क पर्टिकुलरली क्या होता है, ये कॉर्क कैम्बियम्स के डिफरेंशिएशन से बनता है ना, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे बनाना हमें नॉट प्रोड्यूस बाय द रीडिफरेंशिएशन, तो ये रीडिफरेंशिएशन से बना है कॉर्क, क्योंकि ये कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करके बनाता है आपका कॉर्क सेल्स बनाता है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है, फिर से वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएगा। दूसरा फेलोडर्म्स, तो जो फेलोडर्म्स है बच्चों, फेलोडर्म्स, तो फेलोडर्म्स में इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहते हैं, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसी कॉर्क कैम्बियम से बनता है, फेलोडर्म्स बनता है। और सेकेंडरी जाइलम, ये वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है, यहाँ तो कॉर्क कैम्बियम है, तो वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है उसके डिफरेंशिएशन से और रीडिफरेंशिएशन से बनता है तुम्हारा, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन कॉर्क कैम्बियम ये खुद क्या है, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है और ये सेकेंडरी मेरिस्टम है, खुद क्या है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी मेरिस्टम कैसे बना होगा, तो यहाँ पे रीडिफरेंशिएशन से बना होगा, किससे बना होगा, री डिफरेंशिएशन से बना होगा, समझ रहे हो ना, तो ये आंसर नहीं होगा, यही हो जाएगा यहाँ पे, मतलब सॉरी मतलब ये गलत दे रखा, यही आंसर हो जाएगा इसके क्वेश्चंस के लिए, तो 149 का डी हो जाएगा। ओके चलो मूव करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पेडिग्री का यूज करना है आपको, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता है उस तरह से आपको एक पेडिग्री ड्रॉ करते रहना है, ड्रॉ करोगे तो आपका ये बन जाएगा, तो जो कह रहा है बस उतना करो और ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ बस। ठीक है, देखो क्या बोला है, एक कलर ब्लाइंड मैन, तो कलर ब्लाइंड मैन मैंने लिख दिया, ये लिखो कलर ब्लाइंड मैन, ये शादी करता है, मैरिज ऑफ द वुमेन्स विद द नॉर्मल साइट, नॉर्मल साइट, नॉर्मल साइट, इस महिला नॉर्मल है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ द, मतलब उस महिला के हिस्ट्री में कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अब इनको क्या होता है, ब्लेस्ड विद अ जस्ट वन डॉटर, एक लड़की होती है, लड़की, ठीक है। उसके बाद बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रैंडसन कलर ब्लाइंड, ग्रैंडसन कलर ब्लाइंड हो। देखो यहाँ पे फादर से इस डॉटर में एक क्रोमोजोम आएगा, वो भी एक्स क्रोमोजोम आएगा, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे डॉटर है ना तो एक्स ही, तो यहाँ से फादर से एक सेक्स क्रोमोसोम और मदर से एक, तो इसके पास तो कलर ब्लाइंड है, मतलब ये जो लड़की है इनकी वो कलर ब्लाइंड है। अब यहाँ पे इसका ग्रांड, इन दोनों का ग्रैंडसन पूछ रहा है, तो ग्रैंडसन ऑब्वियसली कब होगा, जब इसकी शादी होगी, और इसके हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोला तो हम नॉर्मल लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कितने तरह के प्रोजेनी बनेंगे, चार तरह के प्रोजेनी बनने वाले हैं। ठीक है, कितने, चार तरह के प्रोजेनी। अब इन चार प्रोजेनी को हम लोग बना के देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे इन इनके जो डॉटर है, इन दो पेरेंट्स का, वो है आपका
कैरियर और एक है नॉर्मल हस्बैंड के साथ, इसकी शादी नॉर्मल है, उसका हस्बैंड कैसा है नॉर्मल है, तो उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पे एक्स सी, एक्स सी मतलब ये उनके डॉटर है और इसकी शादी हो रही है नॉर्मल, सॉरी सॉरी, एक्स सी एक्स और ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई नॉर्मल। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, दैट विल गोइंग टू प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे एक्स सी एक्स और ये भी दो तरह का गैमेट एक्स वाई। अब जब क्रॉस करेंगे हम लोग, क्रॉस कर देते हैं, तो एक क्रॉस हो गया ये, तो इसमें एक्स सी एक्स एक, दूसरा जो क्रॉस होगा उसमें क्या होगा तुम्हारा, इसको इसके साथ क्रॉस कर देते हैं तो एक्स सी वाई। ठीक है, और तीसरा जो होगा उसमें ये हो जाएगा इधर तो एक्स एक्स, और ये लास्ट वन क्रॉस हो जाएगा तो एक्स वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो डॉटर हैं ये और ये, और दो सन है ये और ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था एक बार देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि उनका जो ग्रांड सन होगा उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, ग्रांड सन में क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ग्रांड सन में हम लोग देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, तो सन में क्या है यही ग्रांड सन है ये दोनों, तो दो ग्रांड सन में एक कलर ब्लाइंड है, ये कलर ब्लाइंड है, तो कलर ब्लाइंड होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, एक दो में, मतलब हाफ पॉसिबिलिटी सन। बट अगर टोटल प्रोजेनी में बोलता है तो 1/4 करते हैं, लेकिन यहाँ पे सन में पूछ रहा, डॉट ग्रांड सन में पूछ रहा, तो ग्रांड सन में आउट ऑफ टू एक क्या है कलर ब्लाइंड है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर कौन सा दिया हुआ, हाफ कौन सा दिया हुआ है, तो ये बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बी ऑप्शन में हाफ दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.5, दैट इज हाफ हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 151 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इसी के साथ ये हम लोग वीडियो करते हैं समाप्त। आई होप आप लोगों ने इस टेस्ट को एंजॉय तो किया ही किया, इस वीडियो सॉल्यूशन को भी एंजॉय किया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। चलो इसी आशा के साथ बच्चों कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से करोगे और हमारा हमारे कोचिंग का नाम रोशन करोगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।